हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि क्या केस था, किस तरीके के फैक्ट थे, क्या डिफेंस लिया गया, क्या प्रोसिक्यूशन का केस था, किस गवाह ने गवाही जो दी है वो प्रोसिक्यूशन के केस को जिताती है या फिर डिफेंस के केस को जिताती है, कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, क्या एक्यूज को सज़ा मिली या एक्यूज को सज़ा नहीं मिली, कौन सी सेक्शन उस पर लगाई जो है गई है, किन जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। तो आज की यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है ताकि यह जजमेंट अगर आपके केस में रिलीवेंट है और इसी तरीके के सेम फैक्ट है तो आप अपने केस के रेफरेंस के लिए इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की है और ये लेटेस्ट की जजमेंट है, जिसमें कि 302 और 307 आईपीसी के अंदर आरोपी पर जो है उस पर सज़ा जो है उसे सुनाई गई। पहले ट्रायल कोर्ट में उसका ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट में जो है एक्यूज को जो है दोषी ठहराया गया, उसे जो है 302 और 307 के अंदर सज़ा दी गई। उसके बाद उसने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई बदलाव नहीं किया और सेम सज़ा उसे दे दी गई। और फिर अक्यूज़ यहां पर दोनों कोर्ट से जो है आरोपी बनने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जजमेंट जो है प्रनाउंस कर दी है। अब इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको इस जजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। समझते हैं इस केस के फैक्ट क्या है। ये तो मैं बता चुका हूँ, पहले ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चला, दोषी ठहराया गया, फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, दोषी ठहराया गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। केस के फैक्ट क्या थे कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस के एक गार्ड थे जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो ड्यूटी करने के दौरान जो इस केस के अंदर अप्लीकेंट है वही है जो पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं एज ए गार्ड, वो भी एक पुलिस अधिकारी हैं। और उसने क्या किया, उसके एक रिलेटिव जो जानने वाले हैं वो वहाँ पर आए और उनसे बातचीत करने लगे। इसी दौरान कहा सुनी ऐसी हो गई कि वो उसे अपने ऑफिशियल रूम में लेकर चले गए और उस समय बाद जो फायर की आवाज़ जो है सुनाई दी गई, जो वहाँ पर और अधिकारी जो मौजूद थे और उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा कि गोलियां चल रही हैं। तो जो और अधिकारी हैं वो गए जहाँ से गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जिस ड्यूटी ऑफिस रूम से, तो वहाँ पर गए तो देखा उन्होंने कि जो एक्यूज्ड है वो डिसीज्ड को उसने जो है गोली मारी है और उसकी पूरी शर्ट पर जो है खून लगा हुआ है और उसने हाथ ऊपर जो है अपने कर रखे हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट, गोली चलाई गई अक्यूज्ड के द्वारा, बॉस फायरिंग की गई, उसके पास एक कार्बाइन नाम की गन थी, कार्बाइन जिसे हम कहते हैं जो एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग कर सकती है, यानी पिस्टल नहीं, एक गन जो कि एक बार में बहुत सारी फायरिंग कर सकती है अगर उसे ऑटो मोड पर जो है किया जाए। तो उससे वो फायरिंग जो है एक्यूज़ के द्वारा की गई एज ए गार्ड जो पुलिस ऑफिस में तैनात थे उसकी ड्यूटी पर। तो जब उसने ये फायरिंग की तो कुछ गोलियां तो डिसीज को लगी, कुछ गोलियां आसपास एरिए में लगी, कुछ शीशे में जाकर लगी, कुछ छत पर जाकर लगी, कुछ जो है पलंग पर लगी, इस तरीके से गोलियां लगी। उसके बाद जो गवाह थे उन्होंने यह भी देखा कि यहाँ पर ये गोली तो लग गई यहाँ पर उस रूम के अंदर, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्यूज़ जो है डिसीज्ड का, जब वो डिसीज्ड वहाँ से भागने लगा अपने आप को बचाने के लिए, उस पर फिर से गोलियाँ जो है उसने चलाई, यानी कि उस पर फ्रंट से भी गोलियाँ लगी और उसके बैक से भी उस पर गोलियाँ चलाई गई। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से 27 गवाहों की गवाही की गई, जिसमें 4 गवाह बहुत ही ज़रूरी थे, जिसे हम आई विटनेस कह रहे हैं इस केस के अंदर, जिसमें PW2 वो
वो है जो इंसिडेंट सुनने के बाद और उसके साथी जो है उन सुनने के बाद वहाँ पर गए, और PW2 को उसी दौरान जो है इंजरी भी आई उसके शोल्डर पर भी। जब वो ये गन शॉट चल रहा था तो उसके शोल्डर पर भी जो है वो गन बुलेट जो है लगी, जिसके बाद उन्हें भी मेडिकल के लिए ले जाया गया। और जब ये गोली चलनी बंद हो गई तो उसके बाद जो एक्यूज था, जो पुलिस स्टेशन में एज ए गार्ड ड्यूटी कर रहा था, उसको जो है और जो पुलिस अधिकारी थे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर क्योंकि गोली किसको लगी थी, एक तो डिसीज को लगी थी, उसको तो इतनी ज़्यादा लगी थी कि उसकी डेथ हो गई। और जो एक PW2 जो कि कॉन्स्टेबल या हेड कॉन्स्टेबल थी, उसको भी शोल्डर पर गोली लगी। उसके बाद उसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके मेडिकल एड के बाद, उसके बाद उन्होंने जो है FIR लॉज की। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ये केस था, यह जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है साबित कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से 4 आई विटनेस थे, जिसमें कि PW2 वही कंप्लेनेंट थे, वह आई विटनेस भी थी, उसने पूरे इंसिडेंट को होते हुए देखा। और प्रोसिक्यूशन ने ये स्टोरी बनाई कि इस तरीके से जो है इंसिडेंट को अंजाम दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक्यूज की जो है एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट दी 313 CRPC के अंदर। उसने यह कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये मैंने नहीं किया है, मेरे को झूठा फंसाया गया है। मेरा जो क्या कहना है कि किस तरीके से ये अपराध हुआ है, मैं इसको बताता हूँ कि जो जो डिसीज था वो अपनी गाड़ी से आया, आते ही उसने पुलिस स्टेशन के गेट पर गाड़ी को मारा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, क्योंकि मैं एज ए गार्ड वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहा था, वो अंदर आया गाड़ी में, उसने अपना गाड़ी से उसने गेट में मारा, और उसके बाद उसने गाड़ी को अंदर जो है पार्क कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद आते के साथ ही उसने मेरे पर चिल्लाना चालू कर दिया, इस बीच हमारी हाथापाई हुई। फिर मैं उसे ले गया एक साइड एक तरफ, फिर भी वो नहीं माना, फिर उसने मेरे को घूसा मारा, हाथापाई हुई इस तरीके से। फिर मैं उसको जो है ऑफिस रूम में, जो ड्यूटी ऑफिस रूम है वहाँ पर ले गया। वहाँ पर ले जाने के बाद उसने क्या किया, उसने जो मेरी जो मैं जहाँ पर जो ड्यूटी कर रहा था उस समय मेरे पर जो कार्बाइन थी, जो गन थी, उसको उसने छीनने की कोशिश की। और इस दौरान छीनने के दौरान जो है गोली चल गई और गोली जो है उसको लग गई। तो ये डिफेंस जो है एक्यूज्ड के द्वारा जो है लिया गया। जबकि प्रोसिक्यूशन का केस क्या था, क्योंकि आई विटनेस यहाँ पर बहुत थे, 4 विटनेस थे, आई विटनेस थे, इसके अलावा अदर विटनेस भी थे। तो आई विटनेस ने क्या कहा कि उन्होंने देखा था उन दोनों को बातें करते हुए, उसके बाद वो ऑफिस रूम में चले गए, यह बात भी सही थी। उसके बाद उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, उसके बाद वो भागकर वहां पर गए, उन्होंने देखा कि उसके यानी कि शर्ट पर जो है खून लगा हुआ है, और एक्यूज ने डिसीज्ड के हाथ ऊपर ऐसे कर रखे हैं। उसी दौरान जब फायरिंग जो है चल रही है, एक फायरिंग नहीं, 6-7 से 8 जो है फायरिंग यहाँ पर की गई, कुछ कुछ गोलियाँ जो हैं उसको सामने की तरफ से लगी डिसीज्ड को, उसके बाद वो भागने लगा तो पीछे की तरफ से भी गोली लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर ये एक तो यहाँ पर मोटिव था एक्यूज़ का डिसीज्ड को मारने का, दूसरी चीज़ क्योंकि गोली एक नहीं मारी गई, काफ़ी गोली मारी गई, जो ये कहती है कि यहाँ पर एक तरीके से अगर हम सेल्फ डिफेंस भी लेते हैं तो सेल्फ डिफेंस में हम एक गोली मार देंगे बच जाएगा वो। इसके अलावा आपने गोली चला रहे हो, आप सामने से भी मार रहे हो, भाग रहा है आप तब भी उसको मार रहे हो, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मोटिव था उसको मारने का। और इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन के ने की तरफ से यह डिफेंस भी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से यह पॉइंट भी कहा गया था कि जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ और डिसीज्ड और अप्लीकेंट की वाइफ के बीच में जो है इलिसिट रिलेशनशिप थे, इस कारण से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और यहाँ पर एक्यूज की तरफ से सेल्फ डिफेंस लिया गया, यह कहा गया कि मैंने सेल्फ डिफेंस में यह
जो है किया है, अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रोसिक्यूशन की गवाहों की गवाही देखी तो यहाँ पर जो डिफेंस लिए गए उसको जो है किसी भी तरीके की मान्यता नहीं दी गई और प्रोसिक्यूशन के केस को जो है यहाँ पर सही बांधते हुए अक्यूज़ को जो है दोषी ठहराया गया। अब यहाँ पर पहले तो सेल्फ डिफेंस की बात डिफेंस लिया गया कि उसके द्वारा, उसके बाद उसने ये कहा कि जो ये हमारा केस है ये मर्डर में नहीं आता, ये कल्पेबल होमोसाइड में आता है, जिसे हम कहते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, और ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। मैंने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में आकर एक्सेप्शन 1 of 300 ऑफ IPC पे बताती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ये साफ साफ मर्डर है, इसमें मोटिव भी था मारने का, और गोलियां जिस तरीके से चलाए गए, जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया गया है कि गोलियां लगी हैं, उसके घाव आगे भी हैं और घाव पीछे भी हैं, काले काले घाव हो चुके हैं, जो कि इंटेंशन को शो करते हैं कि उसे उसको जान से मारना था। तो ये थी पूरी जजमेंट जिसमें कि प्रोसिक्यूशन के केस को जो है सही बांधते हुए एक्यूज को सजा सुनाई गई, उसको जो है 302 के अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट आजीवन कारावास और 307 IPC के अंदर 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है दी गई है। जो ट्रायल कोर्ट ने यही सजा निर्धारित की थी, उसके बाद एप्लीकेंट कोर्ट ने यही सजा निर्धारित की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब एप्लीकेंट यानी एक्यूज ने अपील फाइल की तो उसकी अपील को डिसमिस किया, तो सेम ऑर्डर यहाँ पर माना जाएगा। तो ये था पूरा केस, आई होप आप इस केस के बारे में समझ गए होंगे। अगर यह जजमेंट आपके केस में रिलेवेंट है तो इस जजमेंट को आप लगा सकते हैं अपनी जजमेंट के साथ और अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस केस के अंदर सेक्शन 105 IPC की भी बात हुई है, जिसमें कि बर्डन की बात की गई है कि एक्यूज अगर किसी चीज़ को साबित करना चाहता है तो उसको अपनी बात को साबित करने के लिए उसको खुद ही एविडेंस लाने होंगे कि वो जो है दोषी नहीं है, 105। और इस केस के अंदर डिले भी हुआ था, यानी कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से उनकी एग्जामिनेशन तो हो गई थी लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर किया गया था, उसके संबंध में भी जो है जजमेंट्स दी गई हैं। अगर ऐसा भी आपका मामला है तो उन जजमेंट का आप रेफरेंस जो है लगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।